अक्सर ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल होती हैं जहां नेताजी रंगरलियां मनाते हुए दिखते हैं। कई ऐसे नेताओं की कहानी है, कई नेताओं की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुआ है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, गुजरात में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भरत सिंह सोलंकी, जो रंगीन मिजाज के माने जाते हैं। वो एक होटल में किसी महिला के साथ रंगरलिया मना रहे थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी वहां पहुंच जाती है और फिर बवाल खड़ा करती है। पूर्व मंत्री जी के साथ जो महिला होती है उससे उनकी पत्नी की बकझक होती है और बकायदा वो महिला को एक थप्पड़ जड़ देती है। और वो जो महिला उस होटल में नेताजी के साथ रंगरलिया मना रही थी, वो अपना चेहरा छुपाती हुई दिखती हैं, लेकिन उनकी पत्नी यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री की जो पत्नी है, वो पूर्व मंत्री जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष गुजरात का रह चुका है भरत सिंह सोलंकी, वो भी वहां पर कैमरे से अपनी नजर जो है वो बचाता हुआ दिखता है, चेहरा बचाता हुआ दिखता है। लेकिन ये पूरा वाकया जो है वो तस्वीरों में वीडियो में कैद हो गया है। आपको बता दें कि भरत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी का रिश्ता बेहतर नहीं रहा है। इसके पहले भी उनकी पत्नी कई बार घरेलू हिंसा का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लगा चुकी हैं, लेकिन इस बार जो उनकी पत्नी है, बकायदा वो सीधे तौर पर रेशमा पटेल उनकी पत्नी है, वो होटल पहुंच गई और ऑन द स्पॉट पूर्व मंत्री जी को पकड़ लिया और उस महिला को थप्पड़ भी जड़ दिया। हालांकि वो महिला अपना चेहरा जो है वो कैमरे से बचाती रही, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। और जब ये वीडियो वायरल हुआ है, तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो अब लोगों के निशाने पर हैं। लगातार उनके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये नेता जी लोग इतने जो रंगील मिजाज कैसे होते हैं, क्या ये शोभा देता है जब कोई इतने बड़े पद पर बैठा हो जो सार्वजनिक जीवन में हो, क्या उसे ऐसी हरकत करनी चाहिए। काफी उम्र भी हो चली है भरत सिंह सोलंकी की, लेकिन उनकी रंगीन मिजाजी का अंत नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ है, जो गुजरात में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बकायदा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में उनका कितना बड़ा कद है। लेकिन इस घटना के बाद अब उनका छीछा लेदर होता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरीके से कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है और उनकी पत्नी जो है रेशमा पटेल, वो कई तरह के सवाल जो है वो उठा रही, ये भी कह रही हैं कि जो नेताजी हैं वो उनसे तलाक चाहते हैं लेकिन वो तलाक नहीं देंगी। हालांकि इनकी पत्नी पहले भी कई बार घरेलू हिंसा का आरोप लगा चुकी है, बकायदा केस भी दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या उनकी पत्नी के कहने पर नेताजी पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।